नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार समेत 15 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने सातवीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। देश की राजधानी भले ही कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से जूझ रही है, मगर फिर से लॉकडाउन का कोई प्लान नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता कि अभी ये प्रभावी कदम साबित होगा। सबका मास्क पहनना ज्यादा फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। यहां बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा है। कश्मीर के 4 जिलों के लिए एवलांच वार्निंग भी जारी की गई है। इधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढका नजर आया, तो बद्रीनाथ धाम में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने बताया कि वह हाल ही में कोरोना पॉजिटिव सांसद के संपर्क में आए थे, हालांकि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बोरिस लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में 3 रातें गुजार चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। इस घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया और पीड़िता के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। दिवाली के बाद सोमवार को देश में COVID-19 के महज 30,548 नए मामले दर्ज किए गए हैं और ये जुलाई के बाद से दर्ज किया गया सबसे कम आंकड़ा है। बीते 24 घंटे में 435 मौतें हुई हैं कि 40,851 से ज्यादा मरीज वायरस को मात देकर ठीक हुए हैं। लॉकडाउन लगने के करीब 8 महीने बाद अब महाराष्ट्र में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गिरजाघर खुल गए हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और विपक्ष की BJP के बीच धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर लंबी खींचतान चली थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने तय किया था कि धार्मिक स्थल दिवाली के बाद ही खुलेंगे। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन 94% प्रभावी साबित हुई है। लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती डेटा के आधार पर कंपनी ने यह दावा किया है। एक हफ्ते के भीतर वैक्सीन के शानदार प्रदर्शन का दावा करने वाली मॉडर्ना दूसरी अमेरिकी कंपनी है। 4 देशों के बीच संयुक्त नौसेना मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। मंगलवार से शुरू हो रहा यह अभ्यास 20 नवंबर तक उत्तरी अरब सागर में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हर सीरीज से पहले स्वदेशी लोगों की संस्कृति को सम्मान देने के लिए मैच से पहले मैदान पर नंगे पांव उतरकर गोलाकार स्थिति में खड़े होंगे, जिसकी शुरुआत भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।